हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू IFS गेट बायोटेक्नोलॉजी। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर ये वीडियो बना रहे हैं। हमेशा ही देखा जाता है कि बच्चों के दिमाग में एक कंफ्यूजन और एक क्वेश्चन सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है कि व्हाट वी हैव टू डू आफ्टर द ग्रेजुएशन इन बायोटेक्नोलॉजी, व्हाट वी हैव टू डू नाउ आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ MSc इन बायोटेक्नोलॉजी। So what is a career, what is the opportunities after a graduation in biotechnology and a post-graduation in biotechnology, इस question का answer आज आपको इस video में दिया जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा जो भी बातें बताई जा रही हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे कि कैसे कोई biotechnology का student जो कि ग्रेजुएशन और अपने मास्टर्स कर चुका है, वो कैसे अपने लिए नए opportunities के रास्ते खोल सकता है। So we are simply introducing the way to increase the opportunities, that is a way to success for the biotechnology students. So how any biotechnology student can increase the opportunities for इट्स करियर, अपने करियर को बढ़ाने के लिए, अपने करियर को कई सारे अपॉर्चुनिटीज देने के लिए कौन कौन से तरीके हैं, आइए उसे समझने की कोशिश करें। तो इट इज़ अ वेरी कॉमन क्वेश्चन इन टू द स्टूडेंट्स नाउडेज एंड डेफिनेटली आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल गेट योर आंसर एंड द वेरी सिंपल आंसर वॉट आई एम गोइंग टू गिव यू, यू कैन इंक्रीज, यू कैन इम्प्रूव द चांसेस ऑफ the selection of the job and various types of opportunities just and just by giving one very simple and easy exam, that is GATE examination. GATE examination से आपका जो भी CV होगा, आपका जो भी opportunities के रास्ते हैं वो काफ़ी ज़्यादा wide हो जाते हैं, काफ़ी सारे खुल जाते हैं। तो GATE examination कैसे आपको कई तरह के opportunities के रास्ते खोल देता है, आइए एक एक करके समझने की कोशिश करें। तो व्हाट आर द बेनिफिट्स इफ वी गो फॉर अ गेट एग्जामिनेशन। तो द फर्स्ट बेनिफिट, द अपॉर्चुनिटीज जो भी है उनके बारे में बात कर रहे हैं, एजुकेशनल और रिसर्च बेस्ड जो भी अपॉर्चुनिटीज होंगी उसके बारे में बात की जाएंगी। उसी के साथ साथ स्टडी इन एब्रॉड, अगर आप एब्रॉड में स्टडी करना चाहते हैं तो आपके लिए कौन सी अपॉर्चुनिटीज आती हैं उसके बारे में बातें की जाएंगी। साथ ही साथ व्हाट आर द सेमी गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज, सेमी गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर भी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं उसके बारे में भी बात की जाएगी। सिमिलरली एकेडमिक्स के अंदर एज अ टीचर, एज अ फैकल्टी भी कई सारी अपॉर्चुनिटीज आज के समय पर अवेलेबल है आफ्टर गिविंग दिस गेट एग्जामिनेशन। नाउ एंड द लास्ट point what will introduce, that is what are the various types of private companies are there in which you can get a direct job after completion of your GATE examination. So कई तरह के opportunities जो है वो खुल जाते हैं just and just by giving a GATE examination. So अगर बात की जाए biotechnology के students की, तो उनकी limitations को हम बहुत ही आसानी से wide कर सकते हैं। उनकी जो opportunities हैं, restricted opportunities हैं, उसे बहुत ही आसानी से वाइड किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम दे करके, दैट इज गेट एग्जामिनेशन। तो सबसे पहली बात अगर बात करें एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज की, किस तरह की अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए, अगर आप गेट एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेते हैं और विच इज़ नियर टू द 90% के आसपास अगर आप मार्क्स स्कोर कर लेते हैं, तो यू विल गेट अ अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट एडमिशन इन टू द वेरियस थिंग्स लाइक MTech के अंदर डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है, MS के लिए आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, MPhil, PhD में आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल सकती है इन टू द वेरी फेमस रिनाउंस्ड institutions like IITs and IISCs, आपको सीधे एडमिशन अगर लेना हो, MS में जाना हो, MPhil में जाना हो या PhD के लिए जानी हो, तो आपको गेट एग्जामिनेशन बहुत ही ज़रूरी है, मस्ट है। एंड इफ़ यू आर हैविंग अ गुड मार्क्स इन योर गेट एग्जामिनेशन, यू कैन डायरेक्टली गेट अ एडमिशन इन IITs एंड IISCs. सो दिस इज वॉट द एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज वॉट वी कैन एनहांस जस्ट बाई गिविंग अ गेट एग्जामिनेशन। गेट एग्जामिनेशन का सबसे पहला फायदा
जो है कि आपको वेल नोन एंड रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, इंस्टीट्यूशंस के अंदर सीधे एडमिशन मिल जाता है। उसी के साथ साथ अगर हम और भी अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, सो इफ़ यू वांट टू गो फॉर अब्रॉड, आप बाहर स्टडी करने के लिए जाना चाहते हैं, सो इन जर्मनी यू कैन डायरेक्टली गेट एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ योर 90% मार्क्स इन अ गेट एग्जामिनेशन। गेट एग्जामिनेशन में 90% मार्क्स आने पर आपको जर्मनी जैसे यूनिवर्सिटीज़ में, फॉर एग्जांपल NUS यूनिवर्सिटी में आपको सीधे एडमिशन मिल जाता है सिंगापुर के। उसी के साथ साथ अगर आपके परसेंटाइल मार्क्स 90% के आसपास है, तो डेफिनेटली अलोंग विद योर एडमिशन यू विल आल्सो गेट अ स्टाइपेंड फ्रॉम दोज यूनिवर्सिटीज़। नाउ व्हाट आर द अदर अपॉर्चुनिटीज़? अदर अपॉर्चुनिटीज़ आर द रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़। कौन कौन से रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ के रास्ते हमारे लिए खुल जाते हैं इस एग्जामिनेशन के देने के बाद? तो रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ में भी काफ़ी सारे रास्ते खुल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें कई तरह के स्पॉन्सरशिप अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं। स्पॉन्सरशिप प्लेसेस पर काम करने को मिल सकता है, दैट जैसे कि इसरो, DRDO, BARC लैब्स एंड CSIR के लैब्स के अंदर हम एज अ RA, दैट इज रिसर्च असिस्टेंट एंड रिसर्च एसोसिएट के तौर पर ज्वाइन कर सकते हैं, इफ़ यू आर हैविंग अ गुड मार्क्स इन गेट एग्जामिनेशन, एज वेल एज इफ यू आर हैविंग अ योर PhD विद यू, सो यू कैन डायरेक्टली गेट अ जॉब एज अ RA इन टू सच काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन। सो रिसर्च के फील्ड में भी आपकी जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो ब्रॉड हो जाती हैं, वाइड हो जाती हैं। नाउ इफ यू विल ज्वाइन एज अ RA इन एनी इंस्टीट्यूशन जिसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, आपको जो स्टाइपन मिलेगा वो स्टाइपन अप्रोक्सीमेट इस रेंज में होने वाला है, दैट इज 50,000 जो स्टाइपन है मिनिमम है। देन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, वैसे वैसे स्टाइपन भी हाई होता जाता है। तो दिस इज, यू कैन गेट अ अपॉर्चुनिटी एज अ रिसर्च असिस्टेंट और रिसर्च एसोसिएट, यू कैन वर्क एज अ JRF और SRF इन टू द वेल रिकॉग्नाइज्ड लैब लाइक इसरो, DRDO, BARC लैब्स एंड CSIR लैब्स। इसी के साथ साथ इफ यू आर हैविंग ओनली MSc एंड गेट बायोटेक्नोलॉजी के अंदर अगर आपने अच्छे मार्क्स स्कोर कर रखे हैं, तो यू कैन डायरेक्टली ज्वाइन एट एनी रिसर्च लेबोरेटरी, फॉर एग्जाम्पल DRDO, BARC और CSIR लैब्स के अंदर एज अ प्रोजेक्ट असिस्टेंट के तौर पर, एज अ JRF के तौर पर आप काम कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, एंड अगेन यू विल गेट अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ स्टाइपन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्लेस, एंड दैट स्टाइपन विल इंक्रीज टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस इन दैट वर्क। सो दीज आर द सर्टन रिसर्च अपॉर्चुनिटीज। नाउ व्हाट आर द जॉब अपॉर्चुनिटीज यू विल गेट while qualifying your GET examination? जैसे ही आपका GET examination qualify होता है, what are the other job opportunities we can get? You can get the job opportunity as a academic opportunities के तौर पर हम बात कर रहे हैं कि आप as a teaching faculty join कर सकते हैं किसी भी institution के अंदर, ऐसे institution जो कि biotechnology के courses को run करते हैं, BS in biotechnology, MS in biotechnology and the higher studies in biotechnology. So what are the requirements for this job opportunity? So definitely you need to qualify the GET examination, you have to qualify the PhD, you have to complete your PhD, and then definitely you will get job opportunities that is under academics. So as a faculty aap join kar sakte hain kai tarah ke well renounced colleges के अंदर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बात की जाए तो 531 BSc colleges की लिस्ट दे रखी है, अप्रोक्सीमेट इतने सारे colleges in India present हैं जहाँ पर आप as a faculty join कर सकते हैं। Along with that, the top 10 universities or the top 10 IITs, they are also having a biotechnology departments and you can join there as a faculty. So as a faculty, again, there is a lot of opportunities after qualifying the GET examination as well as if you complete your PhD. The other opportunities are, that is,
अदर जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात की जाए तो PSUs क्या होते हैं? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स. पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स दे आर द सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और कॉरपोरेशन जहां पर आपको सीधे जॉब मिल जाती है. एग्जांपल के तौर पर BSNL की बात की जाए, NTPC की बात की जाए, हाल की बात की जाए, भेल की बात की जाए, ONGC की बात की जाए, ऐसे कई तरह के सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, ऐसे कई तरह के सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां पर आपको काम सीधे मिल सकता है, सीधे जॉब मिल सकती है. Along with that, you can also get a job opportunities under public sector undertaking, especially the departments of biotechnology. ऐसे departments जो कि biotechnology के departments हैं, they are a part of government, that is under government, semi-government organizations. For example, the Bharat Immunological and Biological Corporation, Indian Vaccine Corporation Limited and Biotechnology Industry Research Assistance Council. These are the certain other governmental organizations dealing with the biotechnological research and all. यहाँ पर भी आपकी job opportunities जो हैं वो बढ़ जाती हैं just after giving a GET examination and if you are qualifying that GET examination with the good marks. What are the other benefits? The other job opportunities what we can get, that is we can get a lot of opportunities under private biotech labs and pharmaceutical labs. So, कई तरह के कई सारे famous और बड़े जो private labs हैं, that is biotechnology labs and pharmaceutical labs, यहाँ पर भी काफ़ी सारी opportunities हमारे लिए खुल जाती हैं. And these are the list of some well-known and the famous pharmaceuticals and biotechnological labs. You can directly get a job in these laboratories. So this was about the various types of opportunities. I hope आपको काफी सारे नई बातें इस वीडियो से पता चली होंगी, काफी सारी नई opportunities इस वीडियो से आपको पता चली होंगी. और भी अगर आप जानकारी चाहते हैं इस तरह से या इस तरह की कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस. यू हैव टू जस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब आर यूट्यूब चैनल एंड जस्ट पोस्ट योर क्वेरीज एंड डेफिनेटली यू विल गेट अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दैट इज व्हाट अदर टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटीज यू कैन गेट जस्ट एंड जस्ट बाय क्लियरिंग अ गेट एग्जामिनेशन. सो स्टे ट्यून्ड विद अस, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, GET biotechnology wale channel ko, and definitely you will get a lot of informations on such kind of things. Along with that, you will also get a lot of videos which may be helpful for your successful clearance or the successful opportunity for your examinations. Aapke examinations ko clear karne mein definitely kai sare jo इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स हैं, जरूरी कंटेंट्स हैं, वो आपको मिलते रहेंगे. सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच.